रोमांस का टाइम नहीं, एक्शन का टाइम। चलो दूसरे लोगों की तरह उषा ने भी अपने बेटे मयंक से प्राची की शादी करवाते वक्त यही उम्मीद रखी होगी कि उसकी बहू ना केवल घर की खुशियां बटोरे बल्कि आगे जाकर घर की सारी जिम्मेदारियां भी संभाले। मगर प्राची यहाँ किसी दूसरे के साथ मिलकर अपने ही घर में चोरी और लूट को अंजाम दे रही। वो अपने पति और सास को धोखा दे रही थी जिन्होंने उससे प्यार किया, इज्जत दी, भरोसा किया। क्या प्राची का मकसद सिर्फ लूटपाट तक ही था या फिर वो उससे बढ़कर किसी और खतरनाक साजिश को अंजाम देने वाली थी? चुप हो जाओ प्राची बेटिया, उसके बारे में इतना मत सोचो। हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि तुम सही सलामत हो। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ, जो भी होगा बचेगा नहीं। मयंक, पुलिस पुलिस बाद में करना, पहले जो हनीमून का प्लान किया था वो कैंसिल करो वरना उसके पैसे भी चले जाएंगे। पहले ही चोरी हो चुकी है, अब ये हनीमून हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं भी मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ। पर मम्मी जी आप ही समझाइए। नहीं नहीं मैं बेटा, प्राची बिल्कुल सही कह रही है। प्राची जैसा तुम ठीक समझो। हेलो जेसी ट्रेवल्स, तो मयंक और प्राची का हनीमून टिकट कैंसिल कर दीजिए। चुप हो जा बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। इस बार तुम्हारे हिसाब में 335 की गड़बड़ हुई है, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जी मैडम। ये लीजिए जाइए। मम्मी जी देखिए ना, चोरी के वजह से सारे हिसाब में गड़बड़ हो गई है। अभी तक तो महेश जी की 4 लाख की पेमेंट भी बैलेंस है। हाँ बेटा, मैं बेटा सबसे ज्यादा खर्चा मेरी दवाई में होता है, उसी में से कुछ कम कर देते हैं। मम्मी कैसी बातें कर रही हो आप? मम्मी जी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है। हमारा जो आउट हाउस है ना वो तो खाली ही है, क्यों ना हम उसे रेंट पे दे दे या तो फिर कोई पीजी रख लेते हैं। बेटा बात तो तू सही कह रही है, पर जब से अपने घर में घटना घटी है तब से मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया है। अब इस बात की क्या गारंटी है कि जिस बंदे को हम रूम रेंट पे देंगे वो सही बंदा होगा? उसका टेंशन मत लो, हम लोग अच्छे से वेरीफाई करके कोई वर्किंग ही लेडी रखेंगे। ठीक है बेटा, जो तू सही समझे। जी मेरा नाम सिमी सक्सेना है और मैंने ही आपको फोन किया था। ये है मेरा आईडी कार्ड और ये मेरा स्कूल अपॉइंटमेंट लेटर है, चाहे तो आप एक बार फोन करके कंफर्म कर लीजिए। हाँ बेटा, हमने तो इस स्कूल के बारे में सुना है और इसमें तो हमारे पड़ोसियों के बच्चे भी जाते हैं। हेलो, AM पब्लिक स्कूल।
जी हाँ, मुझे कुछ कंफर्म करना था. आपके स्कूल में इंग्लिश टीचर अपॉइंट हुई है? सिम्मी सक्सेना. जी जी, थैंक यू सो मच. देखिए, आपका मंथली रेंट होगा 10,000 रुपीज और आपको डिपॉजिट देना होगा 30,000. आपके रेंट में सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर दोनों फ्री है. हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको रेंट टाइम पे देना होगा, हर मंथ के 5 तारीख को. ओके, डन, मुझे मंजूर है. निकलती हूँ, है ना? बाय भैया. बाय. प्राची, she's a good girl. Don't forget Mank. जिम्मी तुम्हें भैया जी बुलाती है. No problem. वैसे मुझे इस बात की खुशी है, तुम्हें एक अच्छी कंपनी मिल गई. मेरी सासू माँ को तो नहीं लगती हूँ कि मैं संस्कारी माँ हूँ. उनको तो शौक करने में. अब फुर्सत मिली है तुम्हें यहाँ आने की? सुबह से बाहर गई हुई हो और अब आ रही हो. टाइम देख रही हो तुम? क्या टाइम हो रहा है? हुआ क्या? चलो मेरे से. अरे बताओ तो सिर्फ, मुझे बताओ. प्राची, मैंने कुछ नहीं सुना, बस तुम चलो मेरे साथ. अरे हुआ क्या? चलो मेरे क्या साथ. हुआ? मयंक, देखो मम्मी क्या. मम्मी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तुमने मम्मी को दवाई सही टाइम पे दी थी? हाँ, चक्कर खा के नीचे गिर गई थी मम्मी, बीपी लो हो गया है. अगर मैं सही टाइम पे नहीं पहुंचता ना, तो तुम एक चीज मुझे बताओ, तुम्हें कितने कॉल्स किए होंगे? मैंने कम से कम 20 कॉल किए होंगे तुम्हें, और तुम दोनों में से किसी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया. प्राची, ऐसे तुम लोग दोनों कहाँ बिजी थे जो मेरा फोन नहीं उठा सके? मयंक बेटा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, ऐसी गलती कभी कभी हो जाती है, और बहू ने जानबूझ के थोड़ी गलती की है. I'm very sorry, मयंक. मम्मी जी, I'm sorry. Don't be stressed. Office का problem होगा. आंटी जी बेहोश हो गई थी. ऐसे में तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है. तो क्या हुआ? अब वो गुस्से में insult करेगा? वो भी उस बुढ़िया के लिए? You know, आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसा behave नहीं किया है. I know, babe. चलें.